वर्तमान समय में मेरा जीवन सादा हो चुका था, फिर भी मैं जब पुरानी यादों की गहराई में डूब जाता हूँ तो सब कुछ फिर से तरोताज़ा हो जाता है। जिन्हें मैं भुलाने की कोशिश करता हूँ वो अजीब अजीब घटनाएं जो मेरे साथ घटी थी, जिसके लिए मैं आज भी अपने आप को कोसता हूँ। हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मुझे ये कभी महसूस नहीं हुआ कि मैंने कुछ गलत किया। हाँ, इतना ज़रूर आभास हुआ कि उसके निकल जाने के बाद उसकी कमी मुझे महसूस होने लगी थी। आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं उससे पहली बार मिला था। मैं अपने चाचा के साथ एक शादी समारोह में गया था। भीड़ ज़्यादा थी, सारी कुर्सियाँ व्यस्त थी। हम और चाचा जी चारपाई पर बैठ गए। तभी हाथ में मिठाई का प्लेट लिए वो मेरे सामने आई, नए फैशन के कपड़े पहने हुए और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए। काफ़ी अधिक सुंदर दिख रही थी। बाल पूरे कमर तक फैले हुए थे और खुले हुए थे। मैं उसकी तरफ काफ़ी ध्यान से देख रहा था, क्योंकि मैंने पहली बार इतनी खूबसूरती देखी थी। मैं उसको एकटक देख ही रहा था कि उसकी तरफ से आवाज़ आई, पानी पी लीजिए चाचा जी, पानी पी लीजिए। मैंने उसकी बात दोहराई, पर मुझ में इतना साहस ना था कि मैं उससे नज़र मिला सकता, इसलिए जब वो मेरी तरफ देखती तो मैं सर में खुजली करता हुआ दूसरी तरफ देखने लगता और अपनी गंभीरता का परिचय भी देना चाह रहा था। मेरे मन में तमाम प्रकार की भावनाएं उठने लगी थी। काश ये मुझसे थोड़ी सी बात कर ले, काश मैं इससे कह दूं कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, काश ये भी कह दे कि तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और बहुत ढेर सारी भावनाएं जिनका भाव व्यक्त करना मुश्किल है। वो प्लेट लेकर वापस लौट कर जा रही थी। मैं बिना चाचा जी के डर का लिहाज किए उसे लगातार देखता रहा। उस समय मैं कक्षा 9 में पढ़ता था और मेरी उम्र 15 साल थी। मुझे इस विषय पर अधिक ज्ञान नहीं था, परंतु इतना मुझे पर्याप्त समझ में आ रहा था कि शायद मेरी सोच कुछ गलत है। फिर भी पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बार बार उसकी तरफ आकर्षित होता था। मुझे इतना ध्यान नहीं कि चाचा जी ने मुझे देखा या नहीं। मेरा मन साफ था, मेरे मन में कोई गलत विचारों की जगह नहीं थी। मैं केवल दोस्ती करना चाहता था। मुझे उसका नाम नहीं पता था। उसका नाम पूछकर उससे बात करने का मेरे पास अच्छा अवसर था। अवसर भी मिला, परंतु मेरा साहस समय पर साथ छोड़ देता था। शाम होने लगी थी। मैंने अपने कपड़ों को ठीक किया और हाथ मुंह धुला, बालों में कंघी की और करीब 2 मिनट तक शीशा निहारता रहा। बारात आने का समय हो चला था। सभी कामों की रफ्तार बढ़ने लगी थी। मुझे मिठाई वाले घर में मिठाई को छोटे छोटे पैक में भरना था। करीब आधे घंटे काम करने के बाद मैंने बहाना बनाया कि मेरे चाचा जी बुला रहे हैं। मैं जल्दी से बहाना बनाकर कमरे से बाहर निकला और बाहर के कामों में हाथ बटाने लगा। मैं अक्सर उसी स्थान पर स्थिति बनाए रखता था जहाँ से उसे पूरी तरीके से देखा जा सके। मैंने अभी तक उसकी नाम की खोज में अपनी कोशिश बरकरार रखी थी, पर काबिल नहीं हुआ था। बारात आ चुकी थी, मेरे पास वक्त का अभाव था, इसलिए रात को ही बात करना उचित समझता था, पर अंततः मुझे समय नहीं मिला। द्वार पूजा का समय आ गया। मैं एक छोर पर खड़ा होकर दूसरे छोर पर उसे निहारता रहा। मुझे एक टक देखने से उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आई, साथ में नज़र नीचे झुक गई। करीब आधे घंटे के बाद द्वार पूजा का समापन हुआ। मैं फिर से उसे देख ना सका, शायद सो गई थी। मैं भी काफ़ी रात तक इंतज़ार करने के बाद सो गया। सुबह अचानक मेरे चाचा जी ने मुझे कच्ची नींद में उठा दिया। जल्दी से उठो, घर चलना है। मुझे नहीं जाना है, मैंने करवट बदली। क्यों? ऐसे ही। दिमाग मत खराब करो, कल तो आने का मन ही नहीं कर रहा था और आज जाने का मन नहीं कर रहा है, क्या बात है? चाचा जी ने हाथ से हल्का सा थप्पड़ देते हुए कहा। अंत में चाचा जी ने जबरदस्ती मुझे उठाया। कुछ खा लें चाचा जी, फिर चलते हैं। घर चलकर खाना? इतनी जल्दी क्या है, आराम से चलना, धूप हो जाएगी। तो शाम को चलना ना चाचा जी, इतनी भी मजबूरी नहीं है, चलो जल्दी, चाचा जी ने थोड़ा गुस्से में कहा। अब तक यह निर्धारित हो चुका था कि मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं चारों तरफ नज़रें फिराता रहा और वो कहीं नज़र नहीं आई। मैं चाचा जी के साथ भारी मन से घर चलने के लिए कदम उठाने लगा,
मानो मेरा कुछ छूट रहा है और मेरे गले में कोई बड़ी चीज़ फंस गई है। मेरे चाचा जी मुझसे कुछ पूछ रहे थे पर मैं उनकी बातों पर जवाब नहीं दे पा रहा था क्योंकि मैं उनके पास होकर भी उनके पास नहीं था। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा जैसे लाचार किसान घने बादलों की अपेक्षा नीले आकाश में करता है। वो ना दिखी, मैं चाचा जी के साथ घर जाने लगा। आते समय मेरा मुंह रास्ते में एक बार भी बंद नहीं था। अच्छा चाचा जी, घोड़ा चलते चलते थकता नहीं है क्या? अच्छा चाचा, जानवरों के पास मुंह होता है और जीभ होती है, वो फिर भी क्यों नहीं बोल पाते? साइकिल दो पहिए पर आसानी से कैसे चल पाती है? पूरे संसार में सबसे बड़ा भगवान कौन है? ऐसे तमाम प्रकार की बातों से चाचा जी को पकाता था। परंतु घर लौटते समय मुझको जैसे सांप सूंघ गया था, चाचा जी से एक बार भी बात नहीं कर रहा था। आते समय मैं बोलता रहा और चाचा जी मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे और लौटते समय चाचा जी मुझसे खामोशी का कारण पूछते रहे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं चाचा जी से नाराज़ था जो मुझे इतनी जल्दी घर लेकर वापस लौट आए। पर मुझे पता था चाचा जी की कोई गलती नहीं थी। मैं घर पहुंच चुका था। मैंने ये सब बात संदीप को बताई जो कि मेरा बहुत ही खास दोस्त है। मैं संदीप से उसकी बात करके अपने आप में सुकून पाता था। संदीप ने उसका नाम पूछा। मैं बोला मुझे नहीं पता और उसका पता भी नहीं पता। परंतु उस समय मुझे इतना ज़रूर पता था कि किसी लड़की से बात करना या उसकी तरफ देखना गलत बात है, इसका नतीजा बहुत गलत हो सकता है। ऐसा मुझे इसलिए लगता था क्योंकि ऐसी बातों से संबंधित दोषी, चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो, अगर उसकी जानकारी प्राप्त होती है तो निःसंकोच उसके शरीर पर उचित प्रहार किया जाता है। उसे सारी ज़िंदगी बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता है। परंतु घर पहुंचकर अपनी बहन से उसकी रूपरेखा बताया तो पता चला कि उसका नाम सिमरन है। मेरी बहन ने बताया कि सिमरन आपके बारे में मुझसे बहुत कुछ पूछ रही थी। यह सब सुनकर मेरी बेताबी बढ़ने लगी परंतु मेरे बस में कुछ भी नहीं था। 15-20 दिन जाते जाते मैं साधारणतः ठीक हो चुका था। केवल यादें थी, बेताबियाँ मिट गई थी, सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। इन सब के बावजूद भी मैं जब भी उन लम्हों के बारे में सोचता था तो मानो मैं उसी वक्त से गुजर रहा हूँ।